झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को एक और झटका लगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने वाला बिल सरकार को लौटा दिया। ऐसे में सरकार को बिल वापस करते हुए उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। झारखंड सरकार के विधानसभा में पारित ओबीसी आरक्षण बिल को राज्यपाल की ओर से लौटाए जाने के बाद एक बार फिर से राज्य में सियासत गर्म हो गई है। जहां बिल लौटाए जाने के बाद बयानबाजी तेज हो गई, वहीं सरकार के सामने बिल में सुधार एक बड़ी चुनौती। सरकार और राजभवन में छिड़ी रार, ओबीसी आरक्षण पर नहीं बनी बात, राज्यपाल ने समीक्षा की दी सलाह। झारखंड सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी आरक्षण बिल विधानसभा से पारित कराया था, इसके बाद इसे राजभवन भेज दिया गया। लेकिन राजभवन ने सरकार को समीक्षा की सलाह देते हुए बिल लौटा दिया है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने जो आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का बिल पास कराया था, उसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14% से बढ़ाकर 27%, अनुसूचित जनजाति के कोटे को 26% से बढ़ाकर 28% और अनुसूचित जाति को 10% से 12% करने की कोशिश की थी। यह बिल मंजूर होने की सूरत में कुल मिलाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 67 तक हो जाता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित कर रखी है। ऐसे में राज्यपाल ने सरकार को बिल वापस करते हुए उसकी समीक्षा के निर्देश दिए हैं। अब इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर वार पलटवार शुरू हो गया है। हम लोग लगातार कहते आए हैं कि राजभवन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब विधानसभा कोई चीज पारित करती है तो निश्चित रूप से सारे पहलुओं पर विचार करते हुए करती है, उसके बाद हर विधेयक को कोई ना कोई लेकुना लगा करके, कोई ना कोई संगति बता करके लौटा देना, ये ठीक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो आदिवासियों के हितों की बात करती है, एक तरफ वो पिछड़ों के अति पिछड़ों के साथ देने की बातें करती हैं और पिछले दरवाजे से उन सभी पर आघात करती है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान है, तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष केंद्र की बीजेपी सरकार को दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी करार दे रहा है, तो वहीं विपक्ष को राज्य सरकार की मंशा में खोट नजर आ रही है। जो ये आरोप हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर लगाते हैं, वैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूरे देश के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया। आरक्षण संशोधन विधेयक जो विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था, राज्यपाल महोदय ने कानूनविदों से जानकारी लेने के बाद और भारत के अटॉर्नी जनरल से उन्होंने सलाह मशविरा किया। इस आधार पर जो उसकी वैधानिकता पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, आज राज्य सरकार को पुनः वापिस कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने वाले बिल को भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने के बाद लौटाया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक बिल में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसे में राज्यपाल ने सरकार को बिल वापस करते हुए उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार के सामने बिल में सुधार को लेकर बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।